हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी फ्रेंकी। इनको बनाना बहुत इजी है, घर में बहुत ही कम सामान से मैंने इनको बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने 3-4 आलू बॉईल किए हैं, एक प्याज बारीक काटा है और हरी मिर्ची ली है। इसमें मैंने पुदीना डाला है 1/4 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट डाला है मैंने 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्यूमिन पाउडर डाला है मैंने 1/4 टीस्पून और अमचूर पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, प्याज ग्रीन चिल्ली और पटेटोज को। आप चाहे इस मसाले को फ्राई कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था तो मैंने नहीं ऐड की। ये सूजी का बैटर बनाया है, इसमें मैंने 1 कप सूजी, 2-3 बड़े चम्मच दही डाला है और मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने 1/2 सैशे इनो डाला है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब मैं तवे को गर्म करूँगी, हल्का सा ग्रीस किया है मैंने, ज़्यादा ऑयल में इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इस बैटर को स्प्रेड कर दूँगी। मैंने बैटर को सिर्फ 15 मिनट रखा, उसके बाद इनो डाला था। अब इसे मैं ढक दूँगी तो ये स्टीम हो जाएगा। ये देखिए, ये स्टीम हो गया है, इनो की वजह से ये स्टीम अच्छे से हो जाता है। अब मैं इसमें आलू का मसाला लगाऊंगी। आप चाहें तो इस टाइम पे इसके अंदर ग्रीन चटनी, कैचअप, गार्लिक चटनी भी लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिंपल ही बना रही हूँ। और आप इसमें में और भी सैलेड भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बस मैं सिंपल आलू का मसाला लगाऊंगी। मैंने अच्छे से मसाला लगाया है और फिर मैं इसे चारों तरफ से फोल्ड कर दूँगी और फिर थोड़ा मैं इस पर घी या बटर जो भी आपके पास है वो लगा कर इसे सेक लूँगी। ये देखिए, बस अच्छे से फोल्ड कर लेंगे हम इसे और फिर घी लगाकर मैं इसे थोड़ा और सेक लूँगी, जिससे कि एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। और फिर हम इसे कट करके कैचअप, चटनी, कैसे भी आप सर्व कर सकते हो। मुझे तो ये प्लेन भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, बन गया है ये। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको न्यू रेसिपी अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।